सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं अपने जिम के बाहर आया था सर्वे करने, तो भैया से पूछता हूँ। हेलो भैया, क्या हाल है? हाथ तो मिला लो। क्या हाल है? क्या नाम है भैया आपका? वसीम अहमद। वसीम अहमद, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन था, आपने कभी किसी की झूठी कसम खाई है? नहीं नहीं खाई। बचपन से आज तक कभी खाई नहीं? नहीं। घर वालों से लड़ाई हो जाए या कुछ? स्कूल में भी नहीं खाई है? नहीं। मैडम मैं अपनी कॉपी घर भूल गया बस ही। कि स्कूल में तो कभी खा ली हो? नहीं। अच्छा, जैसे कोई रास्ते में जा रहा है या आपके माइंड में कुछ ऐसा हो गया कि यार तू गिर जाए ठोकर खा के, कि यार मतलब समझ रहे हो कैसे, क्या आपने कुछ बोला और वो अगले ही पल सच हो गया, वो ऐसा हुआ कभी? ऐसा होता है लाइफ में? ऐसा तो हुआ नहीं। कभी नहीं हुआ? नहीं। बड़े शांत स्वभाव के लग रहे हो आप, है ना? कि अपने काम से काम, किसी से मतलब नहीं ऐसे, है ना? ये क्या सामान लेने आए हो यहाँ पे? ये टेम्पर लेके जाते। अच्छा, टेम्पर लेके जाते फोन के? यहाँ पे बेचते हो क्या? दुकान में सेल करते हैं। अच्छा, दुकान में सेल करते हो आप? भाई मेरे फोन के लिए भैया ने एक टेम्पर भी दिया है। भैया का टेम्पर का काम है, भैया ने बोला कि एक टेम्पर फ्री देता हूँ तुम्हें। भैया थैंक यू सो मच। अब आईफोन का एक भैया कवर दे रहे हैं मुझे 13 का, सॉरी टेम्पर्ड। अरे वाह भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा इम्पोर्टेड लग रहा है ना? ये कंपनी का है, फ्लेयर कंपनी का है। अगर ये मैं वहाँ से खरीदूंगा कितने का आएगा? 700 का आएगा। 700 रुपये का? 700। अरे वाह भैया ने देखो गिफ्ट दे दिया मुझे, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। भैया से बात कर लेते। हेलो भैया, क्या हाल है? भैया क्या नाम है आपका? वीरू। कहाँ से आप? नेपाल से। अच्छा नेपाल से, शाबजी शाबजी। चलो भैया मेरे एक क्वेश्चन था आपसे, आपने कभी किसी की झूठी कसम खाई है? नहीं खाई। कभी बचपन में स्कूल में मैडम से, टीचर से, किसी से खाई है? कुछ तो हो गया होता है। अच्छा, स्कूल टाइम में तो कुछ भी बोलना तो, जैसे आपने किसी के लिए कुछ सोचा और वही एकदम हो गया हो? सुनो मेरी बात, दूसरा क्वेश्चन है मेरा ये, आपने किसी के लिए कुछ सोचा? किसी के लिए जीवन में इससे पहले आपने किसी के लिए कुछ सोचा कि भाई इसके साथ ये हो जाए और उसके साथ वो हो गया हो? हुआ ऐसा कभी? अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा। चलो भैया थैंक यू सो मच आपसे बात कर, हसमुख चेहरा आपका बहुत अच्छा, मजा आया आपसे बात करके। चलो भाई चलो आओ, भाई की हाइट थोड़ी सी कम है लेकिन हसमुख है, मजा आ गया बात करने। चाची चाची बढ़िया था। चलो अब किसी और से बात करते हैं गाइस। चलो अब ये सर्वे हमारा ऐसे ही जारी रहेगा, कपल से कर लें लेकिन लड़कियों से हम कभी करते नहीं है। ये हमारा एक खुद का वो है, मैं प्राउड है कि हम कभी किसी लड़के से क्वेश्चन नहीं पूछते। दूसरा भी इसका पहलू हो सकता है, बताऊँ कैसे? जैसे क्या पता लड़कियों ने हमसे करी हो, हमने पूछो किसी से। भैया से पूछते हैं। हेलो भैया, क्या हाल है? ठीक है भैया। वीडियो बना लो भैया? नो भैया, बिजी हो आप? बिजी। अच्छा अच्छा ठीक है भैया, थैंक यू। क्या नाम है, नाम बता दो? मनीष कुमार। मनीष कुमार नाम है भैया का, यहीं से और रोहिणी से? नहीं, नरेला। नरेला से हो? अच्छा, काम के लिए आए हो? चलो भैया थैंक यू सो मच। चलो गाइज अब किसी और से ट्राई करते पूछते। तो गाइज भैया से पूछते हैं, रिक्शा वाले भैया से। हेलो भैया, क्या हाल है? क्या नाम है भैया आपका? पवन कुमार। तो पवन कुमार जी, मेरे से आपसे एक क्वेश्चन था, जैसे आप रिक्शा चलाते हो तो सही पड़ जाते हैं आपको पैसे इसमें? हाँ मतलब दिहाड़ी पड़ी जाती है। दिहाड़ी पड़ जाती है, मतलब मजदूरी या कहीं नौकरी करने से पड़ी जाएगी, अपना काम है आपका, है ना? तो मतलब दिन के कमाई लेते होंगे 1000 रुपये तो दिन के? 1800 रुपये की रिक्शा आपका खुद का या घर का? किराए का। इसका किराया कितना जाता है? 400। अच्छा वो 800 रुपये किराया काट के कमा लेते हो, 1200 रुपये कमा लेते हो वैसे? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, जैसे आपने कभी किसी के बारे में कुछ सोचा, जैसे ये बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पे, इसके बारे में आपने सोचा या कुछ भी, रास्ते में चल रहे हो अब पागल है क्या तेरे साथ ये हो जाएगा, तो ऐसा हुआ कभी किसी के साथ? हाँ होता है। मतलब काली जवान है? वाले। काली जवान है मतलब आपकी? हमारी नहीं, बंदे बोलते हैं देखा है हमने। हो जाती है बच के चलियो, गिर जाएगा वो, गिर ही जाता है वो। अच्छा वो तुरंत गिर जाता है। अच्छा और एक क्वेश्चन होता मेरे से, अगर आपको 1,00,000 रुपये दे दिए जाए अभी, तो आप क्या करोगे उन 1,00,000 रुपये का? सबसे पहले कुछ काम करोगे या रिक्शा ही चलाओगे या ऑटो लोगे या और रिक्शा बढ़ाओ, मतलब वो ही जानना चाहता हूँ। अभी ये कार आएगी, फिर ओला उबर में चलेगी। हाँ हाँ वही, या फिर कोई दुकान वकान खोलेंगे। हाँ उस हिसाब से काम होगा, अच्छा कमाई उस हिसाब से रिक्शा चलाया जा रहा है। ठीक है ठीक है, आप बताओगे कुछ?
अच्छा अच्छा ये क्या लाए हो आप? लॉन्ड्री का काम करता हूँ। अच्छा लॉन्ड्री का करते हो, होटल्स में आप जो भी है सारा? सैलून में। सैलून वाला ये जो यहाँ पे सैलून है, कौन सा वाला है वो? है ना नाम तो होगा उसका कुछ? नाम उसका ध्यान नहीं देता। उसके ऊपर है ना, ऊपर की फर्स्ट फ्लोर पे है ना, जो साइड में वो है मोदी केयर का शोरूम, उसके बराबर में ऊपर? नहीं नहीं वो है वो। अच्छा आप अपना नाम बता दो, चलो छोड़ो है? आप अपना नाम बता दो बस, यहीं रहते हो आप रोहिणी में? चलो ठीक है, ओके भैया, भैया थैंक यू सो मच। तो रिक्शा वाले भैया से होगा ये? भैया दिख रहे हैं मुझे मूंछ वाले। भैया क्या हाल है, कैसे हो, नाम क्या है आपका? मेरा नाम पाजी। पाजी? हाँ। पाजी के नाम से जानते हैं? ये दाढ़ी वाड़ी बहुत सट लग रही है आपकी। हाँ जी। रोकी भाई जैसा लग रहे हो हैं बिल्कुल एकदम। ये कब से रखी हुई है? 2 ईयर्स ओल्ड। 2 साल से कैंची लगवाई नहीं इस पे? बिल्कुल बढ़िया, एक बार खड़ो के दिखाओ आप। आप तो जच रहा है, सिगरेट भी रोके भाई की तरह पी रहे हो। आप यहीं काम करते हो? अच्छा ये पार्किंग वाला काम करते हो आप? क्या नाम बताया आपने? पाजी। आज से आपका नाम रोकी भाई, ठीक है? ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। चलो गाइस थैंक यू सो मच, भैया से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो गाइस बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में यार, बहुत लोग मना करते हैं, वो तो मैं कैमरे के सामने तुम लोगों को दिखाता भी नहीं कि कितने लोग मुझे मना करते हैं, कितने लोग हाँ करते हैं। लेकिन यार ऐसे ही लाइक सपोर्ट बनाए रखो तो तुम्हारा भाई रोज़ नई क्वेश्चन नई वीडियो बनाता रहेगा। और कुछ कमेंट में बताओ कि और लोगों से क्या क्वेश्चन पूछो, कैसे रिएक्ट करेंगे लोग, कैसे क्वेश्चन पूछने चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि लड़कियाँ भी इसमें आए, क्वेश्चन आंसर मैं लड़कियों से भी करूं, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। ओके थैंक यू सो मच गाइस, बाय।